नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मंदसौर जिले के गरौट एकीकृत माध्यमिक विद्यालय रावटी में लगभग 20 सालों से पदस्थ शिक्षक भूर सिंह मुजालता एवं उनकी पत्नी शिक्षिका जमुना मुजालता अध्यापन कार्य करवा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले इन दोनों का यहां से ट्रांसफर होने के आदेश आ गए थे, जिसका ग्रामीणों और पालकों ने घोर विरोध किया और आज इसी के चलते विरोध स्वरूप स्कूल में तालाबंदी कर दी गई। ग्रामीण और पालकगण गुमान सिंह, पूर्व सरपंच बरदी सिंह, कुशाल सिंह, उप सरपंच कमल सिंह, कुशाल सिंह, मदन सिंह, शंकर सिंह, उमराव सिंह, शंकर सिंह ने बताया कि दोनों शिक्षक शिक्षिका का पढ़ाने का तरीका बढ़िया है। हम सब ग्रामीण इनके व्यवहार से खुश हैं। हमारे बच्चे अध्ययनरत रहकर उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि शिक्षक भूर सिंह मुजालदा और शिक्षिका श्रीमती जमुना मुजालदा का ट्रांसफर निरस्त किया जाए। मामला बढ़ता देख तहसीलदार श्रीमती प्रियंका मेमरोट और बीईओ भगवान सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा कर समझाइश से विद्यालय के ताले खुलवाए गए। फिर भी पालकगण शिक्षक शिक्षिका को वापस यहीं पर पदस्थ किए जाने की बात पर अड़े रहे। जब इस विषय में बीईओ भगवान सिंह चौहान से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि माध्यमिक विद्यालय रावटी में ग्रामीणों से मांग पत्र ले लिया गया और शासन को भेज दिया गया है। वर्तमान में विद्यालय का ताला खुलवाकर अध्यापन कार्य जारी है। कौन सी राजनीति हो रही है? राजनीति ट्रांसफर कराया होगा आवास को लेके, वो आवास में रह रहे थे तो बीजेपी कार्यकर्ता ने मांग 22 साल का सर वही अभी माँ में कहीं निकली विधि नहीं आई। बढ़िया रखे माए बढ़िया शापी बोले सभी काम हाउ करियो ना बच्चे की छुट्टी नहीं करा दे। बच्चे अच्छे पढ़ रहे थे? अच्छे पढ़े। फिर क्या हुआ, आपको कुछ पता चला? नहीं सजा सर, उनका ट्रांसफर हुआ मालूम पड़ी? नहीं सर, उन्होंने मोबाइल पर आया जो उन्होंने बताया कि मेरे ऐसा हो गया। तो फिर क्या करोगे आप? क्या करे काले सब रोया, आपको स्कूल रोयो जी, मैं हेता ने मैं भी रोई सर भी आना चाहिए। घर का मना ये जो वही है कहीं सर भी आना चाहिए। हाँ बढ़िया पढ़ाई रहा ना, आप कह जो भी आना चाहिए दो जना।